हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ब्लॉक के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस पावर पॉइंट के होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बता दिया है और इंसर्ट टैब के टेबल ब्लॉक के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया। आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन ब्लॉक के बारे में। इसमें हम पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, सेव, स्मार्ट आर्ट और चार्ट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पिक्चर। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको जिस भी स्लाइड पर अपने पिक्चर को इंसर्ट करना है, इंसर्ट टैब के पिक्चर ऑप्शंस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करें। जैसे ही आप इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके इंसर्ट पिक्चर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको उस लोकेशन पर उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिस पिक्चर को आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपली आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये पिक्चर आपके स्लाइड पर, मेरे स्लाइड पर इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपने सीखा इलस्ट्रेशन ब्लॉक के पिक्चर ऑप्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने टैब्स एंड पैनल में एक और टैब ओपन होता है जो पिक्चर टूल का फॉर्मेट टैब है। इसमें आपको पिक्चर के एडिटिंग फॉर्मेटिंग के रिलेटेड सारे ऑप्शन शो करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है एडजस्ट, सेकंड पिक्चर स्टाइल, थर्ड अरेंज और फोर्थ साइज। इससे आप अपने पिक्चर को एडिटिंग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिप आर्ट। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक क्लिप आर्ट का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिंपली गो पर क्लिक कर देना और जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन के क्लिप आर्ट है, वो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे। आप जिस भी क्लिप आर्ट को अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे यहाँ से सिलेक्ट कर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो क्लिप आर्ट हमारे स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह आप कितने भी क्लिप आर्ट को अपने प्रेजेंटेशन में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिप आर्ट से किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने फिर से ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट टैब का विंडो ओपन हो जाता है। इसमें भी आपको इस क्लिप आर्ट से रिलेटेड एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज, साइज, इन सारे ऑप्शंस के यूज से आप अपने क्लिप आर्ट के प्रीव्यू को एडिट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो एल्बम। जिस तरह से हमारे घर में फोटो का एल्बम होता है, उसी तरह हम अगर चाहेंगे तो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको फोटो एल्बम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फोटो एल्बम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू फोटो एल्बम और एडिट फोटो एल्बम दो ऑप्शन शो करेंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है न्यू फोटो एल्बम। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फोटो एल्बम का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, यानी अपने फाइल से जिस भी पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं और उसे एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको फाइल और डिस्क पर क्लिक करना है और जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर इंसर्ट न्यू पिक्चर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहां से आप अपने पिक्चर के लोकेशन को सिलेक्ट कर उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पिक्चर एल्बम में फर्स्ट पिक्चर शो कर रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर हटा भी सकते हैं और इसे प्रेजेंटेशन में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ और पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से दूसरे किसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से फिर से इसे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये दोनों पिक्चर का प्रीव्यू यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से आप और भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये तीन पिक्चर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये तीनों पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है और सबसे फर्स्ट में फोटो एल्बम के नेम से एक स्लाइड खुद से क्रिएट हो गया है। इसमें आप अपने फोटो के एल्बम का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फोटो एल्बम बनके तैयार हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेप। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने स्लाइड में किसी भी तरह के शेप को इंसर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर शेप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने शेप के सारे ऑप्शन शो करेंगे। आप जिस भी शेप को अपने स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का कर्सर प्लस के आइकन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस के लेफ्ट की को प्रेस किए हुए और इसे ड्रैग करना है। इस तरह देख सकते हैं हमारा ये शेप इंसर्ट हो चुका है।
जैसे ही किसी शेप को आप इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से ड्राइंग टूल के फॉर्मेट टैब का एक रिबन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इस शेप के एडिटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपने इस शेप को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें आपको इंसर्ट शेप, अगर आप यहाँ से किसी और शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा शेप स्टाइल, इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने शेप के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये शेप का स्टाइल चेंज हो रहा है। इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट में आपको शेप के इफेक्ट को शो कराता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा शेप का इफेक्ट चेंज हो रहा है। इस तरह आप शेप के आउटलाइन से अपने शेप के आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। शेप फिल से आप शेप के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट स्टाइल। इसमें आप अगर कुछ टेक्स्ट को फिल करते हैं और उसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अरेंज, जो कि आपको मैंने होम टैब के ड्राइंग ब्लॉक में बताया है अरेंज ब्लॉक के बारे में, ठीक यही ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब में अरेंज ब्लॉक के अंदर इसमें मिलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है साइज। इसमें आप अपने शेप के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा अपने स्लाइड पर पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो, शेप्स को इंसर्ट करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने स्लाइड में स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है। स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिक्स होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री के बुक्स में फॉर्मूले को एक अच्छे शेप में इंसर्ट करके दिया गया रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने। जैसे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर मैंने माउस का लेफ्ट की प्रेस किया तो चूजे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का विंडो ओपन हो गया। इसमें आपको टोटल 7 तरीके के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स शो करेंगे। आप बारी बारी इस तरह के स्मार्ट आर्ट को अपने स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने यहां पर साइकिल इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये स्मार्ट आर्ट इसमें इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही स्मार्ट आर्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से स्मार्ट टूल के डिजाइन और फॉर्मेट दो टैब्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको फॉर्मेट टैब सेम उसी तरह जो अभी आपको मैंने बताया, उसके बाद यहाँ से डिजाइन टैब अपने इस स्मार्ट आर्ट के डिजाइन को यहीं से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ये कैसे ये डिजाइन स्मार्ट आर्ट का लेआउट चेंज हो रहा है। अगर आप इससे इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आपने सीखा स्मार्ट आर्ट में एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना, स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मैथ के बुक में चार्ट होता है, या किसी भी डेटा को अच्छे तरीके से जांचने के लिए उसमें हमें चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑफिस में या किसी भी काम में अपने प्रेजेंटेशन में चार्ट के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को काफी अच्छे तरीके से समझा, तो आप अपने स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट कर उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर आसानी से उसे समझा सकते हैं। जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट चार्ट विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको काफी सारे चार्ट दिखेंगे। आप जिस भी चार्ट को अपने स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इस चार्ट को इंसर्ट कर लिया और उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट यहां पे इंसर्ट हो चुका है। आप जैसे ही चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के ठीक बगल में ही एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको उस चार्ट के डेटाबेस यहां पे आपको शो करेंगे। आप जिस तरह से अपने इस डेटाबेस को चेंजिंग करेंगे उसी तरह आपके चार्ट में भी ये शो करेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये अभी 60 पर था, 1/5/2002 के डेट पर 60, 1/5/2002 के डेट पर 70 जो है ये हमारा। अब इसे हम 10 करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वॉल्यूम को 10 किया और उसके बाद अपने इस एक्सेल वर्कशीट के बाहर जैसे ही अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट में चेंजिंग हो चुका है। इसी तरह आप अपने हिसाब से अपने चार्ट को यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये चार्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर आपने सीखा पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, सेव, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।